भाई हमें ये कोई मजराई भी नहीं समझते। यहाँ के जो हमारे जो यहाँ नेता हैं वो सिर्फ दुकानें चमका रहे हैं अपनी। सुबह बीजेपी का हाथ पड़ता है, शाम को एनसी का, दूसरे दिन पीडीपी का, तीसरे दिन बीजेपी का। उन्होंने ये दर्जा पकड़ा है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले 20 बरस से जो है अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए प्रधान, एज ए सरपंच। क्या कुछ बदला इनके टेनवर में? और एक ऐसे सरपंच हैं जो करनाल के फर्स्ट बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस जिन्होंने की, और आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद इनकी जबानी हम देखते हैं कि आखिर डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँची है। मैं बात कर रहा हूँ निसार साहब, जो 20 साल से इस इलाका बादरकोट को रिप्रेजेंट करते हैं। सरपंच 20 साल से ये हैं और पिछले 2019 के इलेक्शन के बाद आज फिर से ये इलेक्ट हुए हैं। लेकिन इन 3 सालों के अंदर सरपंच साहब, क्या कुछ बदलाव उन्होंने देखा डेवलपमेंट के लिहाज से? जहां बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने पूरे अख्तियारात जो हैं वो सरपंच के हाथ में दिए हैं। निसार साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 2 साल से आप दोबारा से इलेक्ट हुए सरपंच, बड़े बड़े वादे सेंट्रल से किए जाते हैं कि हमने सरपंच को जो है अख्तियार दे दिए हैं, अब वो हर चीज़ कर सकता है। तो इन 3 सालों के अंदर आपने क्या चेंजेस देखी, क्या कुछ डेवलपमेंट के वादे? हमारा जो पहला नारा था पूरे हिंदुस्तान का या रियासत का, वो बदलाव का नारा था। लेकिन बदलाव में हमने एक चीज़ तकी देखी, अगर हम राशन कार्ड पर जाते थे आटा क्वांटल के लिए, 5 किलो के लिए वो क्वांटल बोलते थे, आज 5 किलो के लिए धक्के लगते हैं। एक बदलाव ये हुआ। हमारे लेट अरुण जेटली साहब आए, उन्होंने हमारे इलाके पर जीएसटी लगाई जबकि हम जीएसटी के काबिल नहीं। नंबर 2, 2019 से लेकर आज तक सरकार लाखों करोड़ों के हिसाब से बोल रही है, भाई हम ये कह रहे हैं ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं, ऑन ग्राउंड सिर्फ नरेगा चलता है और उसको भी कट कर रहे हैं, उसको भी बोलते हैं आप ये दीवार बंद करो तो वो लगाओ, वो डेवलपमेंट लगाओ, लैंड डेवलपमेंट आती है तो दीवार लगाओ। 2019 से आज तक मैंने खुद डीसी साहब को बोला टीटवाल में दरबार में कि जनाब आपने 2019 से जब से हम इलेक्ट हुए हैं उस वक्त से इस वक्त तक हमें एक चेक भी अजीब वाइज का नहीं मिला है, लिस्टें बनती हैं और पता नहीं कहाँ जाती हैं। हमने उनके दरबार में भी अर्ज की, उनके दरबार का भी हमें कोई बेनिफिट सामने नहीं आया। उसके बाद हमारी डीडीसी यहाँ आई, उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई चित्रकोट में कि मुझे भाई 23-24 लाख रुपया मिला है हर पंचायत के लिए, आप इसका एस्टीमेट मतलब प्लान दे दें। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बर्फ पड़ने वाली, आज तक कोई एस्टीमेट वापस नहीं है। ये सरकार करती हो रहा तो दिखाती हो रहा। जहाँ ये वादा किया गया था कि 3-tier पंचायत सिस्टम को जो है आप जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्तकम किया जाएगा नामली, तो उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए, यहाँ पे बीडीसी को एक बार इख्तियार दिया गया, उसके बाद सरपंच को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने 3-tier पंचायत सिस्टम किया यहाँ। बिल्कुल जनाब, मैं आपकी बात तस्दीक करता हूँ, हमने भी यही वक्त सोचा था कि हमारे बड़े काम होंगे, लेकिन डीडीसी यहाँ हमारे इलेक्शन ऐसे हुए कि सरदार मनमोहन सिंह हमारे एक्स वजीर आजम ने बोला पास के अकवाम मुत्तहदा के अंदर कि भाई अगर कश्मीर में जमहूरियत नहीं है तो 95% वोट किसका पड़े, हम वोट डालने वाले बेनिफिट खाने वाले और लोग, हम लोगों को इन्होंने वोटों के लिए रखा है और किसी चीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ हमने कई बार रिक्वेस्ट की, यहाँ भाजपा साहब भी आए, सोनिया गांधी आई, तमाम लोग मिनिस्टर आए, उनको कोई खतरा नहीं था। आज कोई भी आता है बोलते हैं कपाड़ा से बोलते हैं उसे नहीं जाने की LOC का खतरा है, तो क्या खतरा है यहाँ? जरा हमारी जहाँ कश्मीर में जहाँ दिखाएं करना में 2% जहाँ मेरी तनखी नहीं है 2% अल्लाह के फजल करम से हम लोग कितने वफादार हैं। उसके बाद यहाँ जो जो ब्राह्मण सुर का यहाँ मसला चल रहा है, मैं आपको ये भी एक तामीरी चीज़ है, ये भी मतलब यह कि ऐसी बात नहीं है कि भाई ये ब्राह्मण शुक्र आखिर आती किस तरह, हम ये नहीं समझते। एक तरफ से आगे बाढ़ है करोड़ों रुपये की, पीछे उसकी फौज है, पीछे लोग हैं, ये कहाँ से आती है? अरे भाई करोड़ों रुपये यहाँ जनता ले लिए, खासकर एक चीज़ की दुख है कि 50 मिनिस्टर हिंदुस्तान से आएगा और वापस आकर कपाड़ा से चले गए, क्या हम इंसान नहीं हैं?
ये गेट वे ऑफ इंडिया है, ये करना नहीं है, गेट वे ऑफ इंडिया है। हिंदुस्तान का दरवाज़ा टीटवाल से शुरू होता है, दिल्ली से नहीं है दरवाज़ा, यहाँ से है। जब दरवाजे की रखवाली नहीं है तो फिर क्या फायदा। इन्होंने बोला हमारे नितिन गडकरी साहब ने जी, हमें यहाँ के हमारे जो मंत्री थे कि उन्होंने ये सेंक्शन कर दिया क्या टनल। जब नितिन गडकरी जी श्रीनगर आए, वो वजीरा गए, वो अनंतनाग गए, इधर नहीं आ सकते थे। अगर उनको पता होता है, उन्होंने हमारा 2 किलोमीटर है टनल, 14 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा टनल लद्दाख में, 14 किलोमीटर टनल 13,000 करोड़ रुपये का। अगर उधर इसको उधर चाइना सर पर खड़ी है, उधर खतरा नहीं है, यहाँ कौन सा डिफेंस को खतरा, डिफेंस को खतरा जी टनल नहीं निकालेंगे। यहाँ ये बातें हम सुन रहे हैं, डिफेंस को हमने फौज से अपना तमन किया 1965 में, जहाँ हमने बचपा किया पाकिस्तान को 1971 में किया, और 1992 से यहाँ ज़बरदस्त में इतना सी 1996 में जोरों पर सी यहाँ हमारे इलाके में 1% भी। इस तनाव को बोलते हैं शांति नगर। हम हर एक का वेलकम करते हैं, हमें कोई मजरा में नहीं समझ। मैं आपके विश्वासत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों पर भी नज़र करें। सरपंच साहब, टाइम की कमी होने की वजह से लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, 20 साल आपको सरपंच हो गए, क्या आपको क्या लग रहा है 2019 से पहले और 2019 के बाद, जब से 370 आर्टिकल जो है हटा है, क्या कुछ चेंजिंग आई है? मैं कहता हूँ 2019 से पहले जो हमें जो हमारी जो हमें ये सहूलतें थी, तो हमने ये सोचा था यहाँ गवर्नर ही रह जाएगा, कुछ बदलाव आएगा। अरे हमें गवर्नर साहब किसी मुजरा ही नहीं समझ रहा। उसके बाद हमने क्या बदलाव देखा, हमारे बच्चे तरस रहे हैं 5 किलो आटे के लिए, 5 किलो खाने के लिए। अगर वो 5 किलो देते हैं तो 20 किलो हमारा काटते हैं। हाँ एक बात और सुन रहा, हमारे 3 साल से हमारे ये उंगलियां ढीली हो गई, मोरे मार मार के फोर्स कटौती है, तो फोर्स कटौती है 3 साल से हमारे। अगर उस साहब को देखा जाए, हर घर का 5,000 के फोर्स स्टेट वालों को दिए जी। ज़रा मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन या ये हुकूमत दिखाए कि किसी एक बच्चे का राशन कार्ड बना है। मैं इतनी सवाल करता हूँ, उल्टा हमारी जो नफरी थी, अगर 10 साल बीते तो 6 मिले, हमने क्या जी हमने मुफ्त राशन दे दिया, नहीं। वजूहात क्या हैं? वजूहात वो गवर्नमेंट को पता होगा, हमें ऐसे गवर्नमेंट घुटेबाजी करेगी। ऊपर से कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, ना पंचायत सरपंचों के हाथ में कुछ है, ना DDC से, ना PDC, सिर्फ इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ इलेक्शन किया। मैं सीधा बोलूं, मैं कट्टर हिंदुस्तानी हूं, अगर सच बोलने से कोई मुझे गिरफ्तार करता है कार्य, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ इलेक्शन हुआ है। बाकी यहाँ कोई तरक्की एक हुई है, क्वांटल चावल के लिए जाते से 5 किलो मिलती है। इवन एक MLA एक पहाड़ होता है जी, अरे भाई उसकी चिट्ठी लेके गए मुंशियों के पास, उसने धक्का मारा, जो भाई हमारे पास कोई चावल चावल नहीं है, लोग बहुत गरीब हैं, ढाई लेसन के लिए पार जाते हैं श्रीनगर में, 10,000 रुपये का डेरा करते हैं, 5,000 रुपये हमको ढाई लेसन का लगता है, 45 केस है सुबह करना में मेरे पास लिस्ट है। क्या सरकार के पास इतना नहीं है, डॉक्टर एक मशीनरी हमारे लिए? वो भाई हमें ये कोई मजरा भी नहीं समझते। यहाँ के जो हमारे जो यहाँ नेता हैं, वो सिर्फ दुकानें चमका रहे हैं अपनी। सुबह BJP का हाथ पड़ता है, शाम को NDC का, दूसरे दिन PDP का, तीसरे दिन BJP का। उन्होंने यह दगा पकड़ा है, उनका काम था तामीरी काम की तरफ बोलना। अस्पताल इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये लोकल ये LOC पर है। दूसरा, हम फौरन हमारी यहाँ ये मशीन जो किडनी का मसला है, डायलिसिस मशीन लगनी चाहिए। एक बात नहीं और आपको बोलूँ, यहाँ हमारी करना की धरती के सर्टिफिकेट पर कम से कम 100 डॉक्टर है करना का। अरे भाई उनको क्यों आपने नौकरी में रखा जब वो डिप्टी नहीं दे रहे? जिस जगह में वो पले पैदा हुए, जिस जगह के नाम पर वो डॉक्टर बने, हमारे अस्पताल हमारे करोड़ों रुपये की जहाँ बिल्डिंगें खाली पड़ी, उनमें कुत्ते भौंक रहे हैं। आप टीटवाल में जाओ, करोड़ों रुपये की बिल्डिंग है, एक कंपाउंडर नहीं है वहाँ। आप चित्रकूट में जाओ, आप घबरा में जाओ, आप कंडी में जाओ, उसके बाद एक बात मुझे और याद आ